मुझसे गाती क्यों नहीं? गाती तो मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम एक एल्बम क्यों नहीं रिकॉर्ड करती? बिल्लू ने कहा इसीलिए। मैं कह रहा हूँ इसीलिए। क्यों मजाक कर रहे हो आदित्य? अब मैं इतना भी अच्छा नहीं गाती। नहीं सच कह रहा हूँ, तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए। बहुत देर हो चुकी आदित्य। फिर भी तुम एक बार सोच तो सकती हो। हाँ सोच सकती हूँ, लेकिन एक जिंदगी में हर चाहत पूरी हो ये मुमकिन तो नहीं ना। विद्या, मैं आप ऐसे नींद में क्यों मुस्कुरा रही थी? ऐसे मुस्कुरा तो रही थी, और मैं जानता भी हूं कि मम्मी क्यों मुस्कुरा रही थी। इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है, उसका सबक। मुझसे कोई शादी है पापा? नहीं शादी वाला मेहमान नहीं, ये तो एक नन्ना सा मेहमान है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जैसे अंतरा रह रही है। भगवान जी मुझे भाई नहीं, मुझे अंतरा जैसी बहन चाहिए। देखते भगवान जी क्या चाहते। चलो जाओ जाकर नाश्ता करो, मैं आता हूं और अंतरा को साथ में लेके जाओ। ये 1200 रुपए अंतरा की थेरेपी और डॉक्टर के लिए, इतना चल जाएगा? हाँ बहुत है, और वैसे भी 30 तक तो मेरी भी सैलरी मिल जाएगी। आदित्य मैं सोच रही थी कि पहले हम लोग लोन के पैसे चुका देंगे, अंतरा की थेरेपीज बाद में करवा लेंगे। नहीं नहीं मैं अंतरा की थेरेपी के लिए अब बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, और लोन के पैसे मैं 30 तारीख के बाद चुकाऊंगा तो भी चलेगा। तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। अच्छा चलता हूं। बाय अभिषेक। बाय बाय अंतरा। हेलो। बिजी हुआ आदत? नहीं बोलो। मेरी ट्यूशन हो गई है और मैंने अंतरा की फीस भी जमा करवा दी। तुम्हारी डॉक्टर के साथ बात होगी? हाँ 4:30 बजे बुलाया है, तुम आ पाओगे? मैं आ जाऊंगा। ठीक है बाय। सोनोग्राफी रिपोर्ट सब सही बता रही है और बच्चे की ग्रोथ भी बराबर हो रही है। चक्कर आना या कमजोरी तो नहीं महसूस करती ना? नहीं चक्कर तो नहीं आते, पर आजकल भूख कुछ ज्यादा ही लगने लग गई है और मीठी चीजें खाने का बहुत मन करता है। जो मन करता है ना वो आप खा सकती हैं। और हाँ ज्यादा भाग दौड़ मत करना, क्योंकि आपके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, और हर महीने में चेकअप करवाते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके क्या हुआ? किसका फोन? लोन वाले का।